जय जिनेंद्र, आज हम जानेंगे तीर्थंकर और भगवान के बारे में। एक बार एक छात्र अपने गुरु से पूछता है, गुरुजी, बाहुबली क्या भगवान नहीं है? अध्यापक ने कहा, क्यों नहीं है? क्योंकि 24 भगवानों में तो उनका नाम आता ही नहीं है। अध्यापक ने समझाया, 24 तो तीर्थंकर होते हैं, जो वीतरागी और सर्वज्ञ हैं, वे सभी भगवान हैं। अरहंत परमेष्टि और सिद्ध परमेष्टि भगवान ही तो हैं। तो छात्र ने पूछा, तो क्या तीर्थंकर भगवान नहीं होते? तीर्थंकर तो भगवान होते ही हैं, पर साथ ही जो तीर्थंकर ना हो पर वीतरागी और पूर्ण ज्ञानी हो, वे अरहंत और सिद्ध परमात्मा भी भगवान हैं। तो तीर्थंकर किसे कहते हैं? जो धर्म तीर्थ अर्थात मुक्ति मार्ग का उपदेश देते हैं, समव शरण आदि विभूति से युक्त होते हैं, और जिनको तीर्थंकर नाम कर्म नाम का महापुण्य का उदय होता है, उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। वे 24 होते हैं। कृपया 24ों के नाम बताइए ना। पहले ऋषभनाथ जी, जिनका चिन्ह है बैल। दूसरे अजितनाथ जी, जिनका चिन्ह है हाथी। तीसरे श्री संभवनाथ जी, जिनका चिन्ह है घोड़ा। चौथे अभिनंदन नाथ जी, जिनका चिन्ह है बंदर। पांचवे श्री सुमतिनाथ जी, जिनका चिन्ह है चकवा। छठवे श्री पद्मप्रभ, जिनका चिन्ह है कमल। सातवे श्री सुपार्श्वनाथ, जिनका चिन्ह है स्वस्तिक। आठवे चंद्रप्रभ, जिनका चिन्ह है चंद्रमा। नौवे श्री पुष्पदंत जी, जिनका चिन्ह है मगरमच्छ। दसवे श्री शीतलनाथ जी, जिनका चिन्ह है कल्पवृक्ष। ग्यारहवे श्री श्रेयांसनाथ जी, जिनका चिन्ह है गैंडा। बारहवे श्री वासुपूज्य जी, जिनका चिन्ह है भैंसा। तेरहवे श्री विमलनाथ जी, जिनका चिन्ह है शूकर। चौदहवे श्री अनंतनाथ जी, जिनका चिन्ह है सेही। पंद्रहवे श्री धर्मनाथ जी, जिनका चिन्ह है वज्रदंड। सोलहवे श्री शांतिनाथ जी, जिनका चिन्ह है हिरण। सत्रहवे श्री कुंथुनाथ जी, जिनका चिन्ह है बकरा। अठारहवे श्री अरनाथ जी, जिनका चिन्ह है मछली। उन्नीसवे श्री मल्लीनाथ जी, जिनका चिन्ह है कलश। बीसवे श्री मुनि सुव्रत नाथ जी, जिनका चिन्ह है कछुआ। इक्कीसवे श्री नमीनाथ जी, जिनका चिन्ह है नील कमल। बाईसवे श्री नेमीनाथ जी, जिनका चिन्ह है शंख। तेईसवे श्री पार्श्वनाथ जी, जिनका चिन्ह है सर्प। और अंतिम और 24वें तीर्थंकर महावीर, जिनका चिन्ह है सिंह। छात्र गुरु से प्रश्न करता है, गुरुजी, इनमें से अनेक नाम वाले तीर्थंकर कौन से हैं? तीन तीर्थंकर अनेक नाम वाले हैं, ऋषभदेव, जिनका अन्य नाम आदिनाथ है, पुष्पदंत, जिनका अन्य नाम सुविदिनाथ है, महावीर, जिनके अन्य नाम वीर, अतिवीर, सन्मति और वर्धमान हैं। तीर्थंकर के इस प्रकार के चिन्हों का क्या कारण है? ध्यान से सुनो। जन्म कल्याणक के समय सुमेरु पर्वत पर बालक का अभिषेक करते समय सौधर्म इंद्र दाहिने पैर के अंगूठे पर जो चिन्ह देखता है, उन भगवान का वही चिन्ह निश्चित कर देता है। यदि चिन्ह नहीं रखा जाएगा तो यह मालूम नहीं हो सकेगा कि यह कौन से तीर्थंकर की मूर्ति है। चिन्ह के माध्यम से ही हम तीर्थंकर की पहचान करते हैं। गुरुजी, इनको तो याद रखना बहुत ही कठिन है। अध्यापक ने समझाया, कठिन नहीं है, हम तुम्हें एक छंद सुनाते हैं, उसे याद कर लेना, फिर याद रखने में सरलता होगी। छंद है, ऋषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति पदम सुपार्श जिन राय चंद्र पोह पुशीतल श्रेयांस जिन वासु पूज पूजित सुर राय
विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल शांति कुंत अर मल्लि मनाय मुनि सुव्रत नमिने मि पार्श प्रभु वर्धमान पद पुष्प चढ़ाय। छात्र गुरु से प्रश्न करता है, गुरुजी इनको जानने से क्या लाभ है? अध्यापक ने समझाया, इनके उपदेश को समझकर उस पर चलने से हम सब भी भगवान बन सकते हैं। आपने अपना बहुमूल्य समय इस वीडियो को देखने में लगाया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।